आज हम बात करेंगे एक्चुअल में एलिमेंट या विजिट की। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी सेक्शन की और कॉलम्स की। आज हम बात करेंगे एक्चुअल में एलिमेंट या विजिट की, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई भी कंटेंट अपने पेज के अंदर ऐड करते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सिमिलरली उसी तरह से हम एक रो लेंगे और उसके अंदर एक कॉलम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और इसके अंदर जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें, ये हैं हमारे बेसिक जो सेक्शंस हैं, ठीक है, विजिट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स इन्हें कह सकते हैं हम। तो इनको मैं जब ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देखें जो सिलेक्टेड एरिया है वो एलिमेंट है, राइट। और इसकी सेटिंग्स हैं, ये कॉन्टेंट की सेटिंग, स्टाइल की सेटिंग और एडवांस की सेटिंग। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ राइट क्लिक करके डुप्लीकेट। तो यहाँ पे देखें दो कॉलम्स हो गए। इसके अंदर से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके अंदर एक और कॉलम एक और एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज एक बटन। ओके, अब यहाँ पे आप देखें ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की सेटिंग्स डिफरेंट होगी एक दूसरे से। मैं आपको सब ट्राई करने हैं और सबकी सेटिंग्स को देखना है। तो यहाँ पे किस तरह से डिफरेंट होंगी, यहाँ पे देखें, जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें एडिट हेडिंग, मतलब ये इसको अभी हम इसको डील कर रहे हैं, इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जो ऑप्शंस आ रहे हैं कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर, वो देखें यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने का, लिंक ऐड करने का, डिफ़ॉल्ट साइज वगैरह इसका, ठीक है, और अलाइनमेंट सेटअप यहाँ पे आपको नज़र आए। अगर मैं सिमिलरली बटन को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखें बटन वाला सेक्शन सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखें इसी कंटेंट वाले सेक्शन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये एक बटन है और यहाँ पे देखें हम ये एक हेडिंग है। इन दोनों का कम्प्लीटली डिफरेंट यूज़ है और ऑब्वियसली बात है इनकी सेटिंग्स भी डिफरेंट होंगी और इनको स्टाइल करने के लिए भी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से लेट्स से मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ और इस कॉलम को के अंदर जो एलिमेंट है इसको डिलीट करके इसके अंदर कोई नया जो है वो एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसकी जब सेटिंग्स हैं वो और हैं, क्योंकि वो एक एलिमेंट ही डिफरेंट है, उसका यूज़ ही डिफरेंट है, तो उसकी सेटिंग्स भी डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हमें मौजूद नज़र आ रहे हैं उन सब की सेटिंग्स डिफरेंट होगी। तो आपको उन सबको ट्राई करना पड़ेगा बारी बारी, तब आपको समझ आएगी कि किसकी क्या क्या सेटिंग्स है और किस किस आइकन से किस किस एलिमेंट से आप क्या क्या काम ले सकते हैं। अभी के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जस्ट इन दो को रहने देता हूँ। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं इसको डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ या इसके ऊपर कोई भी चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखें मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, राइट। टेक्स्ट यहाँ पे मैं इस पर लिंक लगा सकता हूँ कि कोई बंदा इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे तो वो उस स्पेसिफिक URL के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। मैं इसका साइज यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, राइट, और इसी तरह से HTML टैग और अलाइनमेंट इसकी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से हम स्टाइल के अंदर आ जाएंगे तो ये बेसिक से वही स्टाइल्स हैं, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ और यहाँ पे इसकी टाइपोग्राफी, इसका फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट का वेट क्या होगा, ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है, और इसी तरह से स्टाइल क्या होगा, लाइन हाइट क्या होगी, लेटर्स के अंदर स्पेसिंग कितनी होगी, वर्ड्स के अंदर स्पेसिंग कितनी होगी, ये वर्ड्स के अंदर स्पेसिंग, ये लेटर्स के अंदर स्पेसिंग। सिमिलरली लाइन हाइट, ठीक है, यहाँ पे देखिए डेकोरेशन अंडरलाइन होगा, ठीक है, ओवरलाइन होगा, ठीक है, इसी तरह से नन होगा, ये डिफ़ॉल्ट पे ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। मज़ीद डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन कर रहे हैं तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। इसी तरह से टेक्स्ट स्ट्रोक है हमारे पास, यहाँ पे देखें स्ट्रोक हम डाल सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से, और इसका कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो है, यहाँ पे देखें हम शेडो डाल सकते हैं और यहाँ से उस शेडो का कलर चूज़ कर सकते हैं और उसकी ओपेसिटी भी, यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड पे एक शेडो आ गया हल्का सा। तो इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड मोड्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एडवांस के अंदर सेम वही ऑप्शन है जो कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें स्टाइल के अंदर इसके लिए ये वाले ऑप्शंस थे। अगर मैं इसको एडिट करूँ
और इसके स्टाइल के अंदर आऊँ तो इसके लिए और डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, कुछ सेम ऑप्शंस होंगे लेकिन कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, इस बटन का कलर, टेक्स्ट का कलर मुझे करना है लेट्स सपोज वाइट। ओके, टेक्स्ट इसका बैकग्राउंड कलर, इस बटन का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रीन है, मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह का हो जाए, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। लेट्स से मैं इसकी अबाउट बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो मैं बॉर्डर दे सकता हूँ सॉलिड डॉटेड। ठीक है, ये देखिए एक डॉटेड बॉर्डर आ गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे मैं उनकी बॉर्डर की विड्थ दे सकता हूँ कि कितनी विड्थ हो उस बॉर्डर की। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक पे करूँ तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है, दो पे करूँ तो इस तरह से, तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं इनके साथ। ठीक है, अब ये चारों तरफ लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक साइड पे बॉर्डर लगे, तो मैं इसको बाकी सारी वैल्यूज़ रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें ओनली टॉप के ऊपर से एक इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, इस तरह से एक अच्छा सा बटन बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम बॉर्डर रेडियस हम वो देना चाह रहे हैं। ठीक है, इस आइकन को इस बटन को गोल करना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही तरफ से बॉर्डर रेडियस आए तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा, और मैं चाहता हूँ अगर बॉटम की तरफ से जो है वो एक रेडियस आए तो इस तरह से हमारे बटन का डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप इनके साथ प्ले करेंगे तो तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। यहीं पे हमारे पास पैडिंग है इस टेक्स्ट के, ये टेक्स्ट है पैडिंग, हमने कहा था अंदर की तरफ से इफ़ेक्ट होती है और मार्जिन ऊपर की तरफ से, राइट लेफ्ट और नीचे की तरफ से, लेकिन पैडिंग भी सेम ही चीज़ है लेकिन वो उस एलिमेंट के अंदर से इफ़ेक्ट करती है। तो लेट्स से मैं अगर पैडिंग दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, देखें ये देखिए अंदर की तरफ से इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होवर ऑप्शन है। होवर के अंदर हम कहेंगे कि लेट्स से कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाए और बैकग्राउंड का जो कलर है वो हमारा हो जाए कुछ इस तरह का। लेट्स से अब मैं इस माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखें, और यहाँ पे बॉर्डर का भी कलर है, हम चाहते हैं बॉर्डर का कलर जो है वो कुछ इस तरह का हो जाए। अब देखें राइट, तो यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस के साथ आपको मज़ीद प्ले करना है तो आपको ये सारे ऑप्शन समझ आ जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की इनके बारे में आपको समझाने की कि ये ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं, लेकिन तब तक आपको ये ऑप्शन समझ नहीं आने वाले तब तक आप इनको खुद यूज़ नहीं करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने इनका बेसिक ओवरव्यू सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, आई होप आपको समझ आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।